है। मैं 1995 से लगातार जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट विभिन्न पदों पर रहा, और आज की जो समीक्षा बैठक है वो 2024 और 2025 का जो इलेक्शन है भारत स्तर पे, जो 2024 है उसकी तैयारी, और 2025 जो बिहार स्तर पे, दोनों की तैयारी करना है, और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनके बीच में ये संदेश देना है कि आपका विकास, आपका सम्मान और आपकी बेरोजगारी को दूर करने वाला कोई पार्टी है तो वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। इसी उद्देश्य और संभावना को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद हम लोग पूरे बिहार में दौरा करेंगे, और जो हमारे समाज में राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है, हम किसी जात जमात को नहीं मानते हैं, ए टू जेड पार्टी, ए टू जेड जात जमात को मानकर विकास का काम करेंगे, जो समस्या है उसको उठाने का काम करेंगे, और समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक संघर्ष करते हुए सरकार से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, हम हर स्तर पे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन खामोश नहीं रहेंगे जब तक कि हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा जिला उन्नति तरक्की नहीं कर जाता, और हमारे बीच में जो समस्याएं जैसे मदारिस की समस्याएं, कब्रिस्तान की समस्याएं और भी मस्जिद की समस्याएं, आपको मैं बता देता हूं कि पूरे बिहार में कब्रिस्तान की हालत बहुत बद से बदतर है। अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, आज़ादी के बाद आज भी कब्रिस्तान उसी हालत में है। जहाँ से हम मुसलमान कहलाते हैं, हमारे बच्चे कलमा पढ़ते हैं, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मदरसे के मौलाना रुकमणी के कगार पे हैं। हमारी सरकार है, हम आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से मांग करना चाहते हैं कि मुसलमानों को कुछ मत दीजिए, सिर्फ 3-4 चीज़ दे दीजिए, हमारा कब्रिस्तान में घेराबंदी कर दीजिए, मदरसे की स्थिति में सुधार कर दीजिए, और मुसलमानों के हक हकूक के हिसाब से जो उसका बनता है सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दीजिए, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम इतने समझदार हैं कि हमको अपना परिवार कैसे चलाना हमको पता है, इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना आग्रह करना चाहते हैं कि कब्रिस्तान और मदरसे का विकास आप कर दीजिए, मुसलमान हमेशा पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेगा आपको वोट देता रहेगा। नीतीश कुमार तो लगातार घेराबंदी कब्रिस्तान का लगातार कराते आए हैं, उनका खास इस पर फोकस भी रहा है। देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जो प्राइवेट कब्रिस्तान हैं, उस कब्रिस्तान का भी घेराबंदी होना चाहिए। बहुत ऐसे कब्रिस्तान हैं जिसकी कमेटी सही से काम नहीं कर रही। मैं मुजफ्फरपुर मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, आप जाके देखेंगे उस कब्रिस्तान में तो पार्क से कम नहीं है, उसको सजा दिया है। हम सारे मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि 50 और 100 रुपया का गुटखा पान खा लेते हो, अपने अगल बगल के मदरसा और कब्रिस्तान और मस्जिद की हालत को कम से कम सुधार कर लो, क़यामत के दिन अल्लाह पाक को मुँह दिखा सकोगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मुसलमान भाई वलीमा में लाखों लाख खर्च कर देता है, बेटी को दान दहेज में लाखों लाख पैसा लगा देता है, लेकिन क्यामत के दिन जिसका हिसाब किताब होना है उसमें एक रुपया नहीं लगाता है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान का ऐसा विकास करो, ऐसा विकास करो, तुम्हारी पहचान ये तीन चीज देता है, और तीन चीज से पता चलता है कि तुम कैसे मुसलमान हो। हम ईमान वाले लोग हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें जो एहतियात होना चाहिए, जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया उस संदेश पे हम खड़ा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने अंदर अगर झांक कर देखें तो शायद 1% ईमान वाले मुसलमान हम लोग रह गए हैं, 99% बनना बाकी है। रियाज अंसारी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं आया हूं, सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं 1995 से राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक सेल में विभिन्न पदों पर रहा हूं, लेकिन पहली बार 27 साल 28 साल में कोई प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक में अपने प्रदेश पदाधिकारी को इतना सम्मान देने का काम किया। मैं गवाही देता हूं कि पहली बार हुआ है। मजबूत किया हूं